अप्रोक्सीमेशन। यहां पर हम डिफरेंशियल का यूज करेंगे ताकि कुछ क्वांटिटीज का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सके। ऐसे देखिए, इसको f है डी टू आर और d बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो कोई भी डोमेन हो सकता है ये, और ये फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू fx। तो एक डेल्टा x मतलब बहुत छोटा एक इंक्रीमेंट दीजिए, जैसे 2 है 2.01, तो ये 0.01 जो होगा वो डेल्टा x होगा। तो आप ये जानिए कि जो इंक्रीमेंट है y का करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन x वो डेल्टा y होगा। अगर डेल्टा x बढ़ाएंगे तो डेल्टा y भी बढ़ेगा। तो डेल्टा y क्या होगा, जो फंक्शन डेल्टा x पे है और जो फंक्शन x पे है, मतलब x प्लस डेल्टा x किया, थोड़ा बढ़ाया, इस पे देखा और इस पे देखा, दोनों को माइनस किया, तभी तो डेल्टा y आएगा। ये देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये आपका एक्स वाई है, आपने कहा मैं डेल्टा x बढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो ये डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y ये होगा कि आपके पास ये दिस डेल्टा y विल बी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो यही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। और ये पॉइंट, जैसे आपने कहा x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ये है x प्लस डेल्टा dx, y प्लस dy ये वाला, क्योंकि ये dy dx जो हम नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको डेल्टा x, मतलब हम dx जो होता है, dx का एक्चुअली dx जो है वो डेल्टा x के ही बराबर होता है, क्योंकि dx का मतलब ये होता है कि छोटा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल ऑफ x है, जिसको हम dx कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ये स्मॉल इंक्रीमेंट है, और जो डिफरेंशियल है y का, उसको हम कह रहे हैं dy। और dy क्या होता है, dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होता है, एफ डैश x होता है, तो dy क्या होगा, dx इंटू एफ डैश, ये लिखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये कह रहे हैं एफ डैश x क्या है, dy बाई dx, dx को हम कह रहे हैं स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x, तो dy क्या होगा, dy बाई dx ऑफ डेल्टा x। अब क्योंकि dx डेल्टा x बहुत छोटा है, x के 2.01 में, अगर 2 और 2.01 कंपेयर करें, बल्कि जीरो में नहीं, मैं 0.00001 कर देता हूँ, तो ये तो दोनों बराबर हुई, ऑलमोस्ट बराबर हुआ कंपेयर टू x, x के 2 के हिसाब से 2.001 एक ही बात है। तो dy एक बड़ा अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो गया डेल्टा y, तो हम इस dy को डेल्टा y कहेंगे, ये क्योंकि नॉर्मल dy भी इक्विवेलेंट हो गया डेल्टा y के। तो अब जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, अब आपने जो फिगर देखा डेल्टा x डेल्टा y dx dy का, वो आपने फिगर में देखा, इसको मैं फिर से समझाता हूँ आपको। अब देखें, ये है आपका डेल्टा x, पहले हमने डेल्टा x बोला, फिर हमने डेल्टा y बोला, राइट, डेल्टा x किया तो डेल्टा y थोड़ा बढ़ेगा। अब जो छोटा सा हमने बढ़ाया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक टेंजेंट है, ये स्लोप है, स्लोप ही तो f' x है। अब अगर मैं कहूं कि ये डेल्टा y है और ये dy है, तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है, इसको मैं हटा सकता हूं, मतलब मैं इग्नोर कर सकता हूं, तो dy और डेल्टा y बराबर हो गया। इसी तरीके से ये dx है, इसको तो हम खेल डेल्टा x मानी रहे, तो ये dy डेल्टा y में, क्योंकि छोटा सा इंक्रीमेंट में हटाने पर इतना बराबर हो रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये छोटा सा इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत बहुत छोटा इंक्रीमेंट है इसलिए इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप 2 के साथ 2.1 लिख देते, तो आप बोलते नहीं नहीं 0.1 तो कंपेरेबल है, लेकिन 2 के साथ आप 2.00001 लिखेंगे, तो बोलेंगे हाँ यार, ये तो 2 और 2.001 तो बराबर ही है, इसका क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से है, इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेशन भी कह रहे हैं। तो अब देखिएगा, इस फिगर के हिसाब से जो डिफरेंशियल है डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो इक्वल नहीं है इंक्रीमेंट जो आपने वेरिएबल का किया है, जहां पर जो डिफरेंशियल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो बिल्कुल बराबर है इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल के। इसीलिए हमने देखा कि डेल्टा एक्स को डी एक्स बराबर ले लिया, लेकिन यहां पर हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ा, ये इसके बिल्कुल बराबर नहीं है, फिगर से आपने देखा। अब डिफरेंशियल करके इसका अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अंडर रूट 36 तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन 36.6 का कैसे निकालेंगे, कैसे हम डिफरेंशियल यूज करेंगे। देखिए, हम कहते हैं वाई इक्वल टू रूट एक्स, एक्स क्या है यहां पर 36, डेल्टा एक्स क्या है 36.6, में हम ये 0.6 बोल रहे हैं डेल्टा एक्स है वाला, तो डेल्टा वाई क्या होगा, अभी हमने देखा अंडर रूट, मतलब इस को लेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि अंडर रूट 36 माइनस 6 माइनस रूट 36, यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स को 0.6 बोला है, इसका मतलब रूट 36 आपको पता है, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 36.6 निकालना है, तो 6 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस डेल्टा वाई रूट 36.6 के बराबर। अब dy क्या, हमने अभी अभी इक्वेशन में क्या बनाया था,
डीवाई था डीवाई बाई डीएक्स डेल्टा एक्स, तो ये कितना आसान हो गया, डीवाई हुआ डीवाई बाई डीएक्स डेल्टा एक्स, इसका डीवाई बाई डीएक्स निकाल दीजिए, वाई इक्वल टू रूट एक्स का डीवाई बाई डीएक्स, रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, यहां रख दीजिए 0.6 है, अब रूट एक्स फिर से आ गया है ना, तो यहां का 36 है 6 आ जाएगा, तो 1 बाय 2 इंटू 6 बाय डिवाइड किससे हो रहा है 0.6 से, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.05 आएगा, इसका मतलब आपने डीवाई निकाल दिया, सीधा आप 6 के साथ इसको ऐड कर दीजिए, 0.05 6 के साथ ऐड करेंगे 6.05 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई जो रूट 36.6 की होती है। आपको डिफरेंशियल निकालना है, इसको डिफरेंशियल निकाल के अप्रॉक्सीमेट करना है 25 1/3, अब वाई इक्वल टू एक्स 1/3 है, एक्स यहाँ पर क्या है 27, क्योंकि हमको 27 का रूट पता है, थर्ड रूट पता है वो हमारा 3 होता है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 3 3 9 9 3 27, 3 3 27, डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर 27 में माइनस 2 करेंगे तभी तो 25 आएगा, तो डेल्टा एक्स है माइनस 2, डेल्टा वाई को कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब यही चीज, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3, ये कितना है 25, ये कितना है 27, ये हुआ 27, ये हुआ 25, यानी आपने किया क्या 25 की घात 1/3, ये आपको पता है 3 होता है ना, 3 होता है, तो अब इसको क्या करिए, ये निकालने के लिए 3 को इधर ले जा लीजिए, तो 25 1/3 हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 3, अब अल्टीमेटली हम डेल्टा वाई निकालेंगे और 3 में ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैसे, dy होता है dy by dx into delta x, dy by dx निकालिए इस फंक्शन का, y इक्वल टू x 1/3 का dy by dx निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ओके ये वैल्यू आ गई, लेकिन x तो हमें पता ही है, x तो हमने क्या लिया है 27 का क्यूब रूट हमें पता ही है, यहां पर रख दीजिए ये वैल्यू आ जाएगी, अब क्या करेंगे, अब 3 में इसको जोड़ देंगे, मतलब ये डेल्टा वाई तो आया dy तो आया, dy को इसमें जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए 3 जोड़ा क्या घटाएंगे इसको 2.926, ये आपकी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसकी, फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, तो यहां पर x क्या है 3, लेकिन डेल्टा x 3 अगर है तो 3 तो इसमें रख के निकाल लेंगे, 3.02 में थोड़ी मेहनत लगेगी, तो क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशियल से करते हैं, डेल्टा x है 0.02, तो f 3.02 क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल दीजिए, और डेल्टा वाई होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी इसको आप किससे माइनस करिए इससे, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब देखिएगा इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, अब ये इक्वलेंट है एफ एक्स के, और डेल्टा वाई अभी अभी क्या देखा था हमने एफ डैश एक्स, हमें इसका फॉर्मूला पता है, यहां से देखिए यहीं से देख लीजिए, हम कह रहे हैं डी वाई और डी जो डेल्टा वाई है उसी जगह हम सीधा एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख सकते हैं, क्योंकि डीएक्स और डेल्टा एक्स, डीएक्स की जगह हम डेल्टा एक्स रख सकते हैं, केवल अप्रोक्सीमेशन चल रहा है यहां पे, तो एफ 3.02 क्या होगा, दिस प्लस 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स, समझ रहे हैं आप, इसको हमने 6x प्लस, मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला, इसका डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल आएगा 3 6x प्लस 5, और डेल्टा एक्स यहाँ रख देंगे, डेल्टा एक्स क्या है 0.02, 0.02 है, यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पर 0.02 रखिए, और यहाँ इसको सॉल्व करिए, आपका 45.46 आएगा, थोड़ा तरीका अलग है लेकिन थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन है इसमें, आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है वॉल्यूम का क्यूब, साइड एक्स मीटर है, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं साइड को 2% से, तो 2% क्या होगा 2/100, यानी 0.02, तो आप देखें 2% मतलब 0.02x होता है ना, 2% x का 0.02x है, वॉल्यूम है एक्स क्यूब डीवी बाई डी एक्स निकालिए, डीवी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स मतलब इसका एक्स का 2%, ये कितना है 0.02x, और डिफरेंशियल एक्स क्यूब का क्या होगा 3x को यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, मल्टीप्लाई किया 0.06x क्यूब, ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है वॉल्यूम का।
यदि रेडियस स्फीयर का उसको हमने मेजर किया 9 सेंटीमीटर, इसका एरर है 0.03, आपको अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है जो हमने वॉल्यूम में कैलकुलेट करने में लगाया। अब देखिए आर आप मानिए स्फीयर का रेडियस है, डेल्टा आर इसका एरर है जिस जब हमने मेजर किया तो डेल्टा आर एरर भी मेजर कर लिया, मतलब आर आपके पास 9 है, डेल्टा आर 0.03 है जो यहां पर दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या है डीवी 4/3 पाई आर क्यूब, डीवी बाई डी आर निकालिए 4πr² हो जाएगा। डीवी क्या होता है डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, आपके पास डीवी बाई डी आर है 4πr², डेल्टा आर है 0.03, यहाँ पर आर की वैल्यू रखिए जो आपको दी है 9, 4.9² इंटू 0.03 9.72 पाई, ये आपका अप्रॉक्सीमेट एरर है जब वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे।